Hey, what's up? This is Khushbu with another question of area of literature circles. This is question number 14 from exercise 12.2, page number 231 from NCERT. This says, take the correct answer in the following. हमें MCQ given है, हमें इसका correct answer बताना है. Area of sector of angle P in degrees of a circle with radius R. तो हमें given है एक circle. Center let's suppose is O. रेडियस हमें गिवन है कैपिटल आर. डिनोशन चेंज नहीं करनी है, वो कैपिटल में गिवन है, वो कैपिटल में ही लिखना है. दिस इज बी एंड दिस इज सी. लेट्स सपोज दिस इज डी. सो सेक्टर ऑफ एंगल पी, हमें एंगल इज वेरी गिवन है पी. हमें इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के इसको वैल्यू निकालना है. सो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला. So, theta यहाँ पे गिवन है P by 360 degree into pi हमें गिवन नहीं है, तो आलोचित लिखा रहने देंगे क्योंकि सारे MCQ में pi की वैल्यू पुट नहीं की गई है. So, pi small r की जगह पर capital R square. अब मार्च करते हैं कहीं पर भी है, ये तो 2 pi r है, तो इसको हम कैंसिल ही करेंगे बिकॉज ये सर्कमफ्रेंस पे दिया हुआ है, ये भी सर्कमफ्रेंस है, तो ये तो हम नहीं लेंगे. बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, एक ये और एक ये. Now you see, यहाँ पर 180 है, तो 180 तो कहीं से भी नहीं आ सकता बिकॉज हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते. बचा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर, और यहाँ भी वाली 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, नीचे 2 से. सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड नीचे 2. बात तो सेम रहेगी, हम 2 को 2 से कट कर दें तब भी हमारी इक्वेशन सेम की सेम ही है, तब भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है. सो बेसिकली ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. 360 into 2 is 720 degree. So, हमारी वैल्यू किससे मैच कर रही है, पार्ट डी से. सो डी इज द करेक्ट आंसर. सो ऐसा कई क्वेश्चंस में हो सकता है जहां पर इस तरह से दिया हो, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा है तो आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा. ऊपर किया है सेम से तो नीचे भी उसी करना है, सिर्फ एक वैल्यू से आप नहीं कर सकते. कि लेट्स सपोज अगर मैंने सिर्फ ऊपर किया और नीचे नहीं किया तो वो गलत है, आपको दोनों में करना है सो दैट इसका मीनिंग सेम रहे, क्योंकि अभी भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो वही वापस आएगा. So this was 14th question from exercise 12.2. कोई question आपको समझ नहीं आ रहा है, please हमें बताइए. तो space नीचे given है उसमें लिखिए and do subscribe us. And do watch the next video for some more questions. Goodbye.